से लड़ाई लड़ रहे थे, इनको लगा ये मानवों से लड़ाई लड़ रहे हैं। राम मंदिर धर्म की बात थी और इसलिए धर्म जो है इसने उन लोगों का साथ दिया जो लोग राम मंदिर के लिए लड़े। राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नीति भी है, राम नीति भी है। वो प्योरली इसको कर रहे हैं और पूरी दुनिया में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये मैं जो आपको पिक्चर्स दिखा रहा हूँ ये न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर की हैं, लोग ओन कर रहे हैं इस सारे के सारे प्रोसेस को। मंदिर वहाँ बन रहा है, पाकिस्तान में अलग लोगों की जल रही है, पाकिस्तान में अलग सरकार की जल रही है, पाकिस्तान में अलग पॉलिटिक्स खेली जा रही है। राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभू है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। चरण हो राधा जहां प्रभु श्री राम की मंदिर तोड़ के तुमने ये सोचा कि भारत के चेतना से प्रभु श्री राम को हटा करके किसी और को बसा दोगे, गलतफहमी थी तुम्हारी। आज मुगल कौन है, कहाँ है, कोई नहीं जानता। इंडियन कल्चर है दैट गोज विद द हिंदू कल्चर, ये इन चीजों को समझना होगा आपको। थिंग्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड, इंडिया इज नो मोर एन इंडिया दैट वॉज जो पहले था। राम हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का अंग है, भारत राम के बिना नहीं हो सकता, राम भारत के बिना नहीं हो सकता। तो ये जो तब्दीलियां आ रही हैं ये बड़े मैसिव स्केल पे हैं, इसको स्टडी करने की जरूरत है। दैट हाउ देयर इज, मैं तो इसको कहता हूँ रीबर्थ ऑफ द इंडिया इन 10 इयर्स। नरेंद्र मोदी के 10 सालों में इंडिया की रीबर्थ जो है वो हो चुकी हुई है। दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पीएम मोदी के हाथों की जा चुकी है। दोस्तों, इस प्राण प्रतिष्ठा का लाइव टेलीकास्ट 50 से ज्यादा देशों में किया गया। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि आज पूरा विश्व ही भगवामय हो चुका है। भारत की गली गली में भगवा झंडा लहरा रहा है। वहीं बात करें लंदन की, पेरिस की या फिर न्यूयॉर्क की, इस शुभ अवसर पर न्यूजीलैंड से लेकर इंग्लैंड तक, फ्रांस से लेकर अमेरिका तक, हर जगह भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का लाइव टेलीकास्ट किया गया। पूरी दुनिया आज भगवामय हो गई है। लेकिन बात करें पाकिस्तानियों की तो पाकिस्तानियों के सीने में आग ही लगी हुई है। दोस्तों, आइए देखते हैं भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के बारे में पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रही है। फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। ये मंदिर अहम इसलिए है कि राम हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का अंग है। भारत राम के बिना नहीं हो सकता, राम भारत के बिना नहीं हो सकता। भारत की मोरालिटी प्रभु श्री राम है, राम प्रभु के इस मोरालिटी के बिना हम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। भारत को भारतीयों का चिंतन देने का काम प्रभु श्री राम ने किया, लेकिन हमारे ऊपर पिछले 500 साल से पहले तलवार ने हम पे आक्रमण किया, फिर उसके बाद हमको कल्चरली आक्रमण किया गया, फिर उसके बाद हमारे ऊपर लेफ्ट के लोगों ने आक्रमण किया, जहां कहा कि हिंदू को पॉलिटिक्स नहीं आती, हिंदू को इकोनॉमिक्स नहीं आती, हिंदू को कल्चर नहीं आता। ये सब चीजें कह के हमें इतना तोड़ दिया कि यदि हम अपने मंदिर की बात करेंगे तो फिर जो है हमारे ऊपर सारे के सारे मुस्लिम मुल्क जो है वो आक्रमण कर देंगे, हमारे ऊपर यूरोपियन आक्रमण कर देगा। हमें इतना मानसिक रूप से अपंग बना दिया था कि हमें अपनी चीजों को बोलने में शर्म आने थी। हमारी ग्रीटिंग बेसिकली राम राम है। हमारे बचपन के हमारे दादा परदादाओं ने एक दूसरे को राम राम कहा है। जब हमारे यहाँ मृत्यु होती है तो हम राम नाम सत्य की बातें करते हैं। जब हमारे यहाँ किसी के साथ कुछ अच्छा होता है तो हमारे मुंह से राम जी की बात निकलती है, और बुरा होता है तब भी हम कहते हैं हाय राम, हे राम। राम इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडियन लाइफ स्टाइल। और इन लोगों ने हमें क्या क्या सिखा दिया कि राम की बात करने वाले, ये मंदिर की जगह वहां पे बना दो अस्पताल, कोई कह रहा है टॉयलेट, कोई कह रहा है कुछ। इन्होंने हमारे दिमागों पे अटैक किया, उसके बाद भी ये मंदिर बना। जिन लोगों ने हमें इकोनॉमिक सिखाई कि हिंदू ग्रेट रेट ऑफ ग्रेट होता है, उन जला कम्युनिस्टों से पूछो कि जॉन जिस कंट्री में तुम्हारा कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से गवर्न हुआ वो तो सारे कोलैप्स हो गए। मैं इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लॉ का प्रोफेसर हूं, मैंने नोमुरा की कितनी रिपोर्टें पढ़ी हैं कि कैसे वो देश जो सोशलिज्म के आधार पर चले वो बिक गए और उनको कैपिटलिज्म के यानी कि फ्री इकोनॉमी के मार्ग पे जाना पड़ा। तुम हमको सिखा रहे हो वो कंट्री को जिसका कि 2000 साल का OECD ना चाहते हुए भी रिकॉर्डेड हिस्ट्री लाना पड़ा कि पिछले 2000 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी जो GDP थी वो इंडिया की थी और चाइना की थी। इंडिया और चाइना टुगेदर जो थे वो 55% की वर्ल्ड GDP में कंट्रीब्यूट करते थे। तुम उनको सिखा रहे थे कि इकोनॉमिक्स नहीं आती उनको। प्रभु श्री राम हमारी इकोनॉमिक्स है।
तो प्रभु श्री राम के मंदिर का मतलब है भारत की चेतना का निर्माण, और भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है वो राम राज्य की परिकल्पना करता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो एम्ब्लेम है उसमें लिखा है यतो धर्मस्ततो जया, जिसका मतलब होता है देयर इज नो विक्ट्री विदाउट जस्टिस। मगर उसके पहले क्या लिखा हुआ है, उसके पहले लिखा है यतः कृष्णस्ततो धर्मो यतो धर्मस्ततो जया, यानी जहां कृष्ण धर्म है वहीं उस धर्म की जीत होती है। कृष्ण का धर्म और बाकी लोगों का धर्म अलग है, धर्म का कॉन्सेप्ट ही अलग है, धर्म को समझते ही बहुत कम लोग हैं। धर्म रिलीजन नहीं है, धर्म कॉन्स्टिट्यूशन है, धर्म फिलॉसफी है, फिलॉसफी को समाज में लगाने के लिए लॉ बनाए जाते हैं। तो भारत की फिलॉसफी ऑफ धर्म, जो धर्म है जो भारत की चेतना का निर्माण करती है, उस हिसाब से आपको सोशल ऑर्डर बनाना है, वो धर्म को कैसे डिफाइन करती है, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षता तस् मा धर्मो न हन्तव्यः मानो धर्मः हतो वधीत। धर्म डिस्ट्रॉयज दोज हु डिस्ट्रॉय इट, धर्म प्रोटेक्ट्स दोज हु प्रोटेक्ट इट, धर्म कैन नॉट बी धर्म डज नॉट डिस्ट्रॉय एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। तो ये धर्म से लड़ाई लड़ रहे थे, इनको लगा ये मानवों से लड़ाई लड़ रहे हैं। राम मंदिर धर्म की बात थी, और इसलिए धर्म जो है इसने उन लोगों का साथ दिया जो लोग राम मंदिर के लिए लड़े। मंदिर हमारा इसलिए टूटा क्योंकि कुछ फोर्सेस ऐसी आई जो अपने साथ उन ईविल डॉक्ट्रिन्स को लाई जिसमें फोर्स को ग्लोरीफाई किया गया, शक्ति को ग्लोरीफाई किया गया, हत्या को ग्लोरीफाई किया गया। हम उसमें नहीं जाना चाहते थे क्योंकि हमने इतनी ज्यादा सिविलाइजेशनल अचीवमेंट कर ली थी कि हम पीस चाहते थे, और हमें लगा चूंकि हमें पीस मिल गया है तो दुनिया को भी पीस मिल गया होगा। ऐसा हुआ नहीं, मुगल खत्म हो गए, प्रभु श्री राम नहीं खत्म हुए। प्रभु श्री राम के मंदिर तोड़ के तुमने ये सोचा कि भारत के चेतना से प्रभु श्री राम को हटा करके किसी और को बसा दोगे, गलतफहमी थी तुम्हारी। आज मुगल कौन है कहाँ है कोई नहीं जानता, उनके वंशज हमारे यहाँ दिल्ली के सड़कों पे कोई रिक्शा बेचता है, रिक्शा चलाता है, कोई फल की रेड़ी लगाता है, लेकिन प्रभु श्री राम आज भी भारतवासियों के दिल में राज करते हैं। और ये एक दुख की बात है, कल मुझसे एक मोहतरमा टीवी पे इंटरव्यू के दौरान उन्होंने पूछा कि भारत ने तो मुगलों की हिस्ट्री मिटा दी है। मैं हैरान रह गया, मैंने कहा ये क्वेश्चन वो देश पूछ रहा है जो लाहौर में रहता है भगवान राम के बेटे के नाम पे शहर, वो अपनी हिस्ट्री नहीं बताता, जिन्होंने भगवान राम को भुला दिया, जिन्होंने रामायण को भुला दिया, जिन्होंने महाभारत को भुला दिया, जिन्होंने मोहनजोदड़ो को भुला दिया, जिन्होंने अर्थशास्त्र को भुला दिया, जिन्होंने मौर्य एम्पायर को भुला दिया, जिन्होंने कृष्ण को भुला दिया, वो हमसे बात करेंगे तुम मुगलों को हिस्ट्री मिटाने पे लगे हो? तुमने तो अपनी सारी हिस्ट्री मिटा दी। यू डोंट हैव राइट टू आस्क एनी क्वेश्चन कि वी आर हम मुगल नहीं पढ़ा रहे। हम तो कहते हैं मुगल पढ़ाओ, बाबर नामा पढ़ाओ, मसरी के आलमगिरी पढ़ाओ, फतवाए आलमगिरी पढ़ाओ, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे बाबर ने आकर के कितनी यहाँ पे हत्याएं करी। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है कि बाबर ने आकर के वो मारकाट मचाई। उस गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि अरे तुमने अगर राजा से लड़के तुम जीते तो बात भी हो सकता था, तुम इन गरीब बच्चों को, गरीब जो रहने वाले लोग हैं उनकी हत्या क्यों कर रहे हो? बच्चों की मांगों से सिंदूर ले करके उनको रोड पे ले गए, उनको रेप किया, उसके बाद बेच दिया मार्केट में, ये सभ्यता लाने के लिए तुम हिंदुस्तान में आए थे। और भगवान श्री राम जब लंका में गए तो लंका जीतने के बाद उन्होंने विभीषण को दे दिया, रावण के भाई को, कि ये लो तुम्हारी लंका। एक श्रीलंका की महिला को उन्होंने नहीं छुआ अपने या अपने सैनिकों को छूने दिया कि इनके बच्चे इनके मर्द तो तुमसे लड़ रहे थे, जाओ इनके औरतों को तुम रेप करो बेचो, नहीं किया उन्होंने प्रभु श्री राम ने। वो हमारे मर्यादा हैं। इसलिए शिवाजी महाराज के पास एक बार किसी ने एक मुस्लिम राजा की लड़की को पकड़ के लाए और बोले कि ये लीजिए, ये उस मुस्लिम राजा की लड़की है। शिवाजी महाराज ने कहा कि ये मेरी बहन है, इनको इनको पूरे के पूरे इज्जत के साथ, पूरी इनकी जो एक महिला की जो इज्जत होती है, इनको वापस कीजिए, ये हमारे संस्कार ही नहीं हो सकते। दोस्तों, भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर पूरा देश की नजरें अयोध्या पर टिकी हुई थी। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें अयोध्या पर ही टिकी हुई थी। टाइम स्क्वायर हो या फिर एफिल टावर हो, हर जगह प्राण प्रतिष्ठा का लाइव टेलीकास्ट किया गया। वहीं अयोध्या में 50 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे थे, उन्हें आमंत्रित किया गया था। अमेरिका में कार रैली निकाली गई तो जर्मनी में रथ यात्रा निकाली गई। वहीं बात करें यूके की तो यूके के पार्लियामेंट में
में भी राम भजन गाए गए। दोस्तों, ये मंदिर यूं ही नहीं बन रहा है, इसके पीछे हजारों बलिदानियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि सरयू नदी कार सेवकों के रक्त से लाल हो चुकी थी। उन बलिदानियों के कारण ही हम इस शुभ अवसर के साक्षी बने हैं। भगवान श्री राम के लिए अयोध्या में अपनी जान का बलिदान देने वाले उन कार सेवकों को आज शत शत नमन। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।